हे गाइस, मेरा नाम है निशा और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि बच्चों में डेंड्रफ की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। दोस्तों, डेंड्रफ जो है वो मोस्ट कॉमन इश्यू है बच्चों में। ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम होता ही होता है। थ्रू हमारी पेरेंटिंग जर्नी हमें भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील होता है। सो आज हम जानेंगे कि डेंड्रफ एक्चुअल में होता क्या है, ये है क्या और इसके साइंस एंड कोई कॉजेस क्या है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट और कुछ होम रेमेडीज के बारे में। सो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेंड्रफ, डेंड्रफ होता क्या है? दोस्तों, डेंड्रफ इज नथिंग बट एक कह सकते हैं डेड स्किन होती है, जो एक वाइट बेस में, वाइट फ्लेक्स में हमको हमारे शरीर पे देखने को, माथे पे देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये एक्चुअल में तो ये नॉर्मल चीज है, बच्चों के लिए इतना हार्मफुल नहीं है। अगर वो माइल्ड है, मतलब कि कम बेस पे अगर डेंड्रफ अपने बच्चों को हो गया है तो इट इज नॉट दैट हार्मफुल, या फिर कह सकते हैं इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट कुछ सीवियर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डेंड्रफ बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, सो उन चीजों के बारे में आज जान लेते हैं। सो अब बात कर लेते हैं बच्चों में ऐसा होता क्यों है, क्यों उन्हें डेंड्रफ हो जाता है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं। सो पहला कॉजेस है इम्प्रॉपर शैम्पूइंग, मतलब कि जब अपने बच्चे को हम नहलाते हैं उस टाइम पे बच्चे का जो शैम्पू है वो प्रॉपर धुला ना हो, प्रॉपर अच्छे से माथा उसका साफ ना हुआ हो, रिंस ना हुआ हो, तो ये कुछ उसके, अगर शैम्पू का कुछ चीजें स्कैल्प पे रह जाती है, कुछ शैम्पू अगर अपने स्कैल्प पे रह जाता है बच्चे के, तो उसे ये डेंड्रफ होने की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। दूसरा है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है बच्चों में, कॉज बच्चे जो होते हैं उनको एक फूड, न्यूट्रिशन वाला फूड खाने में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि आलस आता है, इससे करता कि वर्सेस वो उनको जंक फूड खाने का बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है डेंड्रफ होने का, क्योंकि वो लोग जंक फूड खाते हैं, बाहर की चीजें खाते हैं, जैसे कि वेफर्स हो गया और बिस्किट्स हो गए, इन सब चीजों से बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है डेंड्रफ। तीसरा रीजन है, हो सकता है कि बच्चे की जो स्किन है उस पे जो आप हेयर प्रोडक्ट लेके आए हैं, जो शैम्पू आप यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो सूटेबल ना हो, वो सेंसिटिव हो। अगर बच्चे की सेंसिटिव स्किन है तो बच्चों को ऐसा हो सकता है कि उनके, उनको ये सूट ना करे, जिसकी वजह से डेंड्रफ के कॉजेस हो जाते हैं। चौथा है मेलेजिजिया। मेलेजिजिया एक कह सकते हैं कि एक बच्चों के माथे पे रेड रेड निशान हो जाते हैं, वो ईचिंगनेस की वजह से हो जाते हैं, जो कॉजेस हो सकता है बाद में ज्यादातर डेंड्रफ होने का। पांचवा है रूसी। रूसी को हम कह सकते हैं क्रैडल कैप बच्चों के लिए, बड़ों में वो रूसी कहा जाता है। क्रैडल कैप बच्चों में डेंड्रफ की बहुत ज्यादा चांसेस लाता है और ये कम से कम एक साल तक बच्चों में रहता है, अगर आपके बच्चे को क्रैडल कैप है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उसके साइंस के बारे में, ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे को डेंड्रफ हो चुका है। सो इसके बहुत नॉर्मल से साइंस हैं, जैसे कि आपके बच्चों को आप खुद दिखने लग जाएगा, कुछ व्हाइट फ्लेक्स आते होंगे माथे में, वो डेंड्रफ हो गया है आपके बच्चे को, या फिर आपका बच्चा तुरंत बहुत ज्यादा खुजली करने लगे अपने माथे में, वो एक बहुत बड़ा साइन है। ठीक है, और बच्चे का अगर स्किन रेड हो गई है तो ये भी एक साइन है। अगर आपको डेंड्रफ नहीं दिख रहा है तो भी अगर उसको इचिंगनेस होती है और उसके, उसकी जो स्किन है वो रेड हो चुकी है, तो ये भी बहुत बड़ा साइन है कि आपके बच्चे को डेंड्रफ हो चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बच्चों में इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये इसके क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, पहला है मेडिकेटेड शैम्पू। मेडिकेटेड शैम्पू मींस आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, जो स्किन, हेयर स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे एक बार कंसल्ट करके, वो जो मेडिकेटेड शैम्पू देते हैं उससे आप अप्लाई करें अपने बच्चे के स्कैल्प पे। बट एक्चुअल में तुरंत कह सकते हैं ना, शैम्पू को लिटरली ऐसे ही अप्लाई नहीं करना होता है। थोड़ा शैम्पू लेके पहले या तो बाउल में ले लीजिए या तो मग में ले लीजिए,
उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके और उसे घोल बना के फिर माथे पे लगाना, तो डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई करना भी हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद में जब अपने बच्चे का माथा मतलब बाल जब रिंस करते हैं तो बहुत अच्छे से शैम्पू को हटा दीजिए, ठीक है। दूसरा है स्टेइंग हाइड्रेटेड, आप अपने बच्चे को हाइड्रेट रखिए। हाइड्रेट इन द सेंस आप अपने बच्चे को तरल पदार्थ पिलाते ही रहिए। तरल पदार्थ का मतलब कि आप पानी पिलाइए, उसे जूसेस पिलाइए, मगर उसको प्रॉपर क्वांटिटी में डेली बेसिस पे पानी या फिर जूसेस पिलाने से ये जो प्रॉब्लम है ये कभी होती ही नहीं है, कह सकते हैं बच्चों में डेंड्रफ की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी अगर आप उसके हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे तो, ठीक है। तीसरा है ब्रशिंग बिफोर शैम्पूइंग, मतलब जब अपने बच्चे को नहलाने जा रहे हैं तब उसके उससे पहले आप उसके बाल झाड़ दीजिए, कह सकते हैं कॉम कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो स्कैल्प में जो डेंड्रफ जमा होगा वो निकल ऊपर आ जाएगा, सो शैम्पू की मदद से वो प्रॉपर निकल जाएगा, ठीक है। चौथा आप कर सकते हैं यूजिंग सेपरेट, हाँ ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब भी आपके बच्चे को अगर देख रहे हैं कि डेंड्रफ हो चुका है तो उसकी जो टॉवल है और जो उसका कॉम्ब है दोनों चीजें अलग होनी चाहिए, उसके लिए सेपरेटली ही यूज करनी है आपको, ठीक है। मोस्टली पेरेंट्स रखते ही हैं बट फिर भी एक कॉज है कि आप ध्यान रखें इस चीज का भी। पांचवा आप कर सकते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब आप अपने बच्चे को प्रॉपर फूड खिलाइए जो जो जरूरी है, लाइक आप अपने बच्चे को प्रोटीन कार्ब्स ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से दीजिए। इससे आपके बच्चे को डेंड्रफ की जो प्रॉब्लम है मिट भी जाएगी और जल्दी उसे ये चीज होगी भी नहीं, ठीक है। और छठा है कि ऑयलिंग द स्कैल्प, मतलब जो आपके बच्चे के स्कैल्प्स हैं उस पे मतलब जड़ों पे प्रॉपर ऑयल लगाइए। ऑयल में आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों के मतलब भर के ऑयल लगा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ टू कह सकते हैं 1 or 2 टेबल स्पून ऑयल लेके तो उसको थोड़ा सा या तो गर्म कीजिए तो ना कीजिए, इट्स ओके। उसके स्कैल्प पे धीरे धीरे ऐसे मसाज कीजिए, उससे बहुत ज्यादा एक तो हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लोगों को बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि अभी मेरे बच्चे का बाल बड़े नहीं हो रहे हैं, तो ये हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज आपके बच्चे की स्किन है जो उस पे डेंड्रफ होने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। सातवां आप कर सकते हैं आप अपने बच्चे पे कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट जो है हेयर प्रोडक्ट्स उसको अप्लाई ना करें। एक बार पहले उस चीज के बारे में रिसर्च कर लें कि ये प्रोडक्ट कैसा है, उसके बाद ही उस पे अप्लाई करें अपने बच्चे के ऊपर, ठीक है। दूसरा है आप बात कर लेते हैं होम रेमेडीज की। अब होम रेमेडीज कौन कौन सी है जिससे आप अपने बच्चे को बिना मेडिकेटेड शैम्पू के ठीक कर सकते हैं। सो होम रेमेडीज में सबसे पहला और सबसे इजी कह सकते हैं आता है बेकिंग सोडा। दोस्तों बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छा बेस माना जाता है बच्चों के स्कैल्प को डेंड्रफ फ्री करने के लिए। जब भी आप अपने बच्चे को नहलाने जा रहे हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेके अपने बच्चे के स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कर दीजिए और उसे तुरंत के तुरंत नहला दीजिए, इट्स ओके। और बच्चों को बहुत जल्दी डेंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा। 1 या 2 दिन में ही आप देखेंगे 1 या 2 बार की वॉश से ही आपके बच्चे के माथे में सारे डेंड्रफ चले जाएंगे। दूसरा आप कर सकते हैं ट्री ऑयल। ट्री ऑयल की कुछ ड्रॉप्स आपके जो भी ऑयल आप बच्चों को लगा रहे हैं उसमें मिला के या तो 1 या 2 ड्रॉप्स मिला के और अपने बच्चे के स्कैल्प पे लगा दीजिए। इससे भी काफी राहत होती है बच्चों को डेंड्रफ फ्री करने में। तीसरा आप यूज कर सकते हैं कर्ड। दही आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और वो क्या होता है, दही से बच्चों के जो स्कैल्प और जो बाल हैं हेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन जाते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है डेंड्रफ को मिटाने के लिए। आप थोड़ी देर पहले जब भी आप बच्चे को नहलाने जा रहे हैं उसके 10-15 मिनट पहले ही अपने बच्चे के माथे में कर्ड लगा दीजिए, बच्चे का डेंड्रफ चला जाएगा। तो चौथा आप कर सकते हैं लेमन। लेमन जूस जो है आप अपने बच्चे के माथे पे कॉटन से अप्लाई करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें, बच्चे का डेंड्रफ चला जाएगा। पांचवा है नीम। नीम का जो जूस है उसे कोकोनट ऑयल में मिक्स करके, कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा बेस है इस वजह से, दोनों को मिक्स करके और कॉटन से अपने कॉटन बॉल्स होते ना रुई से अपने बच्चे के माथे पे
लगा दीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद उसे नहला दीजिए, बच्चे का आराम से उसका डैंड्रफ चले जाएंगे। और सातवां आप कर सकते हैं एलोवेरा जूस या एलोवेरा जेल, आप यू अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, जो प्लांट का एलोवेरा जेल होता है वो डायरेक्टली अपने बच्चे के स्कैल्प पे अप्लाई करके और उसे नहला सकते हैं उसके बाद में। फिर सातवां जो आप कर सकते हैं वो बहुत कह सकते हैं इजी और बहुत अच्छा सॉल्यूशन कह सकते हैं उसे, है बटर। अगर आपके घर में बटर है तो, नहीं है तो और भी छह जो मैंने ऑप्शन बताए उसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर है आपके घर में बटर, तो बटर का कुछ एक बल्क ले लीजिए, थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए कह सकते हैं, और अपने बच्चे के स्कैल्प पे ऐसे ऐसे घिस दीजिए, बस छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर नहला दीजिए। बहुत इजीली बच्चे के जो डैंड्रफ है उससे आपको आसानी से राहत मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि कब अपने बच्चे को आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, कब ये सीवियर केस बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे की इरिटेशन और इचीनेस की वजह से, खुजली करने की वजह से, अगर आपके बच्चे के जो माथा है उसमें रेडनेस आ गई है या तो ब्लड आना शुरू हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा चांस है कि आपको अपने बच्चे को डॉक्टर से कंसल्ट कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो, ये कुछ आज के टिप्स थे मेरे, आप आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, थैंक यू सो मच।